नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हर्षिल चिटकुल के लकमा पास में सार ट्रैकर्स की मौत, तीन शव लाए गए। हर्षिल चिटकुल के लकमा पास पर बर्फबारी के दौरान लापता 11 ट्रैकर्स में से शुक्रवार सुबह एक गाइड देवेंद्र को जिंदा रेस्क्यू किया गया है, जिसके बाद उन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टर से हर्षिल लाया गया है। साथ ही आज तीन शवों को भी हर्षिल लाया गया है। वहीं बीते दिन रेस्क्यू किए गए ट्रैकर्स मिथुन दारी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। नारायणबरगढ़ के आपदाग्रस्त डूंगरी गांव पहुंचे सीएम धामी, गले लगकर पीड़ितों को दी सांत्वना, सौंपा चेक। सीएम धामी ने बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण आई आपदा की चपेट में आकर लापता लोगों के परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी। नलगांव में आपदा से मृतक के परिजनों को 4 लाख का चेक भी सौंपा। इसके साथ ही जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचकर जनपद में आई आपदा की समीक्षा की। नौकरी से निकाला तो टंकी पर चढ़े गीता भवन की कर्मचारी, प्रशासन में हड़कंप। आज ऋषिकेश में गीता भवन के कर्मचारियों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रबंध के खिलाफ मोर्चा खोला। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि संस्थान ने उन्हें बेवजह नौकरी से निकाल दिया है, एक साल से उनकी तनख्वाह भी नहीं दी गई है, इस कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। आपदा में मारे गए लोगों को मसूरी में दी गई श्रद्धांजलि, आपने प्रबंधन पर उठाए सवाल। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन और आम आदमी पार्टी ने मसूरी में आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आपने सरकार के आपदा प्रबंधन पर सवाल भी उठाए, साथ ही आपदा समूह गठित करने की मांग की। कांग्रेस ने हरीश रावत को पंजाब प्रभारी के पद से हटाया, हरदा ने राहुल सोनिया को कहा शुक्रिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को पार्टी ने पंजाब प्रभारी पद से हटा दिया है। उनकी जगह हरीश चौधरी को कांग्रेस ने पंजाब और चंडीगढ़ का नया प्रभारी बनाया है। हरीश रावत ने पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त करने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को धन्यवाद कहा है। नशेड़ी पति के जुल्मों से तंग आकर गंगा नहर में कूदी महिला, लोगों ने बचाई जान। लंडौरा निवासी एक महिला ने अपने पति के जुल्मों से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला ने रुड़की गंगा नहर में आत्महत्या के लिए छलांग भी लगा दी थी, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों की नजर महिला पर पड़ गई और उन्होंने गंगा नहर में कूदकर महिला को बचा लिया। 5 दिन बाद खुला घाट पिथौरागढ़ हाईवे, जनपद के 49 आंतरिक मार्ग अभी भी बंद। भारी बारिश के चलते भूस्खलन से बंद पड़े घाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। सड़क खुलने पर 5 दिनों से फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। वहीं सीमांत जिले में जरूरी सेवाओं की आपूर्ति भी बहाल हो गई है। अब बाया शहर फाटक होते हुए यात्री हल्द्वानी जा सकेंगे। केदारनाथ जाने के लिए सोनप्रयाग में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर एक भीड़ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि सोनप्रयाग का बताया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये सभी लोग श्रद्धालु हैं, जो कि केदारनाथ जाने के लिए भीड़ जमाए हैं। सोशल मीडिया पर श्रद्धालुओं की भीड़ का वीडियो वायरल होते ही शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि ये वीडियो केदारनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव सोनप्रयाग का बताया जा रहा है। वीडियो चंद मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है, शासन से लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। दरअसल 3 दिनों तक पहाड़ी जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया था। ऐसे में तीर्थयात्री जगह जगह फंसे हुए थे। तीर्थयात्री 17, 18 व 19 अक्टूबर तक यात्रा बंद होने के कारण रुके हुए थे। ऐसे में जब 20 अक्टूबर को केदारनाथ यात्रा को खोला गया तो सोनप्रयाग यात्रा पड़ाव में तीर्थयात्रियों की हजारों में भीड़ जमा हो गई। यह वीडियो उस दौरान का है जब केदारनाथ यात्रा को खोला गया और तीर्थयात्री बड़ी संख्या में सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए निकले। स्थगित की गई सैनिक सम्मान यात्रा इस दिन से फिर होगी शुरू। उत्तराखंड में आई आपदा की वजह से सैनिक सम्मान यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सैनिक सम्मान यात्रा को आपदा के कारण स्थगित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब यात्रा 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। खटीमा, नेपाली आर्मी ने गाँव में फंसे लोगों को किया सुरक्षित रेस्क्यू। टनकपुर से लगे भारत नेपाल सीमा पर नेपाल के खालमा गांव में फंसे नेपाली नागरिकों को नेपाल आर्मी द्वारा रेस्क्यू करने का वीडियो सामने आया है। बीते दिनों भारी बारिश से नेपाल सीमा पर भी आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। बीते दिन भारत नेपाल सीमा के खालमा गांव में काली नदी के जलस्तर बढ़ने से लोग फंस गए थे। नेपाल की आर्मी ने हेलीकॉप्टर की सहायता से सभी नागरिकों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। देहरादून में स्पा सेंटर संचालक ने खुद को मारी गोली, मौत। देहरादून में बीते दिन एक स्पा सेंटर संचालक ने खुद को गोली से उड़ा लिया और आत्महत्या कर ली। इससे आसपास के इलाके में और पुलिस में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बीते दिन गुरुवार को पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के शिमला बाईपास रोड पर स्थित एक स्पा सेंटर में घटित हुई। बताया जा रहा है कि गोली की आवाज से आसपास में हड़कंप मच गया।
लोग गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे तो देखा कि स्पा सेंटर संचालक सतवीर चौधरी मौके पर लहूलुहान पड़ा था। उसकी घटना स्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। ऋषिकेश, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किया गया प्रशिक्षित। भारतीय ग्रामोत्थान संस्था के बैनर तले कई महिलाओं को जूट से बने प्रोडक्टों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। तुंगनाथ और चंद्रशिला जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर, घोड़ा खच्चर का रेट निर्धारित। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान तुंगनाथ यात्रा के आधार शिविर चोपता में इको पर्यटन विकास समिति के सहयोग से स्थानीय घोड़े खच्चर संचालकों ने घोड़ा खच्चर मालिक संगठन चोपता तुंगनाथ का गठन किया है। संगठन का गठन होने से अब तुंगनाथ व चंद्रशिला जाने वाले तीर्थयात्रियों व सेनानियों को अब मुँह मांगी रकम नहीं देनी पड़ेगी। अब निर्धारित दरों पर घोड़े खच्चर प्राप्त हो सकेंगे, साथ ही सभी घोड़े खच्चर संचालकों को समान आय अर्जित हो सकती है। आपदा प्रभावित डुंगरी गांव पहुंचे सीएम धामी गैस सिलेंडर फटने से झुलसे लोगों से भी मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित नारायण बगड़ के डुंगरी गांव का दौरा कर लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दशोली ब्लॉक के मठाणा गांव में रसोई गैस सिलेंडर फटने से झुलसे लोगों का हालचाल जाना। पौड़ी में 4.90 करोड़ का सरकारी गेस्ट हाउस बदहाल, तोड़फोड़ और चोरी कर रहे लोग। पौड़ी जनपद में रासी स्टेडियम के बगल में बन रहे GMVN के गेस्ट हाउस में चोरी और तोड़फोड़ की खबर है। मामले में ठेकेदार ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देहरादून SSP ने 7 दरोगाओं का किया तबादला। देहरादून में 7 दरोगाओं के तबादले हुए हैं। SSP ने इन दरोगाओं से जल्द उनके नए तैनाती स्थल पर ज्वाइन करने को कहा है। चार धाम यात्रा, अब तक 2 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बाबा केदार के द्वार उमड़ रही भीड़। इस साल की चारधाम यात्रा अब समापन की ओर है। चारधाम यात्रा 5 नवंबर से संपन्न होना शुरू हो जाएगी। 18 सितंबर से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं। मानदेय बढ़ोतरी को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने किया सचिवालय कूच, एक कार्यकर्ता हुई बेहोश। पिछले कैबिनेट में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 33,297 आंगनबाड़ी वर्कर्स के खातों में 40 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भेजी थी। ऐसे में प्रत्येक आंगनबाड़ी वर्कर को 10,000 रुपए की धनराशि दी गई, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर इससे कतई संतुष्ट नहीं है। आज भी 18,000 मानदेय की मांग को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सचिवालय कूच किया। आपदा से कुमाऊं मंडल में 2,000 करोड़ का नुकसान, 61 लोगों की गई जान। आपदा के कारण उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद में सड़कों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है। सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 90 करोड़ के बजट की आवश्यकता है। दोनों जनपदों में 720 किलोमीटर से अधिक की सड़कें क्षतिग्रस्त भी हुई हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।